तो हे गाइस, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। यार आज हमारे पास है सैमसंग गैलेक्सी टैब A7 जो कि सैमसंग ने रिसेंटली अनाउंस किया था, ठीक है। और आज हम इस टैब में पबजी टेस्ट करने वाले हैं। तो गाइस चलो यार, सबसे पहले मैं अपने इस टैब के बारे में बता देता हूँ। इस टैब को पावर कर रही है स्नैपड्रैगन 662 और इसमें रैम लगी हुई है 3 GB की, ठीक है। और मैंने यार इस टैब का वाईफाई वेरियंट परचेज़ किया था, तो ये देख लो आप, मैंने इसे अपने वाईफाई से भी कनेक्ट कर रखा है। तो चलो यार, अपन जल्दी से इसमें पबजी स्टार्ट कर लेते हैं। और मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि अपन डिफ़ॉल्ट सेटिंग में इस टैब में स्मूथ और हाई में खेल सकते हैं, है ना। लेकिन अपन इसमें स्मूथ और हाई में नहीं खेलने वाले, क्योंकि सबको पता है स्मूथ और एक्सट्रीम का जुगाड़ एंड्रॉयड डिवाइसेस में कैसे लगाया जाता है। तो वही जुगाड़ हमने भी लगाया है और हम इसमें डायरेक्ट स्मूथ एंड एक्सट्रीम में खेलेंगे। और मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने स्मूथ और एक्सट्रीम ही इनेबल कर रखा है। तो चलो यार, सबसे पहले मैं अब अपने सेटिंग्स को सेट कर लेता हूँ और उसके बाद अपन TDM गेम प्ले करेंगे। गाइस सबसे पहले अपन जायरोस्कोप के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। यार देखो, एक्चुअली इसका जायरोस्कोप का परफॉर्मेंस काफ़ी डिसेंट है ना। ये मैं इसको बुरा नहीं कह सकता, लेकिन ये बहुत तगड़ा भी नहीं है और बहुत ख़राब भी नहीं है। तो कुल मिला के आप इसको एक डिसेंट सा जायरोस्कोप परफॉर्मेंस मान सकते हो, ठीक है। तो यार सबसे पहले मैं इस यहाँ पर स्प्रे मार रहा था, तो एक्चुअली मैं स्प्रे नहीं कर पा रहा था क्योंकि मुझे अभी इसकी परफेक्ट सेंसिटिविटी का कोई अंदाज़ा नहीं है, इस वजह से मैं स्प्रे नहीं मार पा रहा था, ठीक है। लेकिन अगर आपको स्प्रे करना है तो आप अपने थंब के थ्रू ड्रैग करके भी स्प्रे को कंट्रोल कर सकते हो। हालांकि ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी आप कर सकते हो। यहाँ एक्चुअली में वीडियो बनाते वक्त स्प्रे कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी आप देख लो, आपको थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है। और ये देख लो, मैं यहाँ थंब से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो कुछ हद तक मैं इसमें कंट्रोल कर पा रहा था। हालांकि ये तो बहुत ज़्यादा ही शॉर्ट रेंज में मैं स्प्रे कर रहा था, तो पता नहीं यार लॉन्ग रेंज में कितना ज़्यादा दिक्कत होगी, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको एक आइडिया देने के लिए मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। जायरोस्कोप के बारे में अपन थोड़ी देर बाद बात करेंगे, तब तक मैं आपको जनरल गेम प्ले के बारे में बता देता हूँ। अब जैसा कि आप सबको पता है कि इस टैब में स्नैपड्रैगन 662 आता है, जो कि एक डिसेंट लेवल का प्रोसेसर है, ठीक है। इसे ज़्यादा तो उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मैंने बहुत से ऐसे बंदों को देखा है जो स्नैपड्रैगन 600 सीरीज़ वाले प्रोसेसर के फ़ोन्स में ही बहुत अच्छी गेम प्ले कर लेते हैं और उनके परफॉर्म डिवाइस भी ठीक ठाक परफॉर्म कर लेता है। तो मेरे को थोड़ी उम्मीद तो थी और ये उसी के अकॉर्डिंग भी परफॉर्म कर रहा है, ना ज़्यादा ख़राब ना ज़्यादा तगड़ा, ये एक डिसेंट लेवल का परफॉर्मेंस दे रहा है। लेकिन हल्के फुल्के फ्रेम ड्रॉप्स आपको देखने को मिल ही जाएंगे, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हुआ था। अभी आप यहाँ पे देखना, मैं इस बंदे को किल करूँगा और उसके बाद जब मैं लौटूँगा ना, तो मेरे को लैग महसूस होगा और इसके बाद मैं डायरेक्ट किल लूँगा। तो गाइस TDM के बाद अपन अब एक वार के गेम प्ले खेलने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे अभी तक ये रेंडर नहीं कर पाया है, तो इससे आपको डिवाइस की जनरल ग्राफिक्स परफॉर्मेंस का अंदाज़ा तो हो ही चुका होगा, ठीक है यार। और मैं आपको बता दूँ कि इसमें भी अपन स्मूथ और एक्सट्रीम में ही खेलने वाले हैं, ठीक है। और मैंने जायरोस्कोप ऑन कर रखा है और मैं एक्चुअल में आपको बता दूँ, मैं एमिंग वगैरह जायरोस्कोप की मदद से ही करता हूँ, ठीक है। तो आपको अब थोड़ी आइडिया मिल जाएगी कि इस डिवाइस का जायरोस्कोप कैसा है, और आपको एक वर्चुअली आपको थोड़ा सा पता भी चल जाएगा कि डिवाइस का जो गेम प्ले है वो एक्चुअल में कितना ज़्यादा स्मूथ है और कितना ज़्यादा प्लेएबल है, ठीक है। तो चलो यार, अब अपन अपने बाकी पबजी एक्सपीरियंस के बारे में भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे इसकी डिस्प्ले साइज़ की। यार इसकी डिस्प्ले साइज़ मोर देन 10 इंचेस की है, ठीक है। तो एक्चुअली में स्क्रीन व्यू तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है और देखने में और खेलने में गेम मज़ा आता है, लेकिन कंट्रोल करने में बहुत मुश्किल होती है, ठीक है। ये एक्चुअली मोबाइल में, अगर आप मोबाइल में खेलते हो और मोबाइल से आप अगर इस पर शिफ्ट हो गए तो आपको बहुत दिक्कत होगा, ठीक है, क्योंकि इसके मूवमेंट जितने हैं वो मोबाइल के अकॉर्डिंग है, ठीक है। ये आप आईपैड की तरह नहीं है कि उसमें तो मूवमेंट अलग तरीके, कुछ अलग ही तरीके का। इसमें आपके मूवमेंट आईपैड की तरह नहीं है, इसमें आपके मूवमेंट नॉर्मल मोबाइल की तरह है, तो जिसके वजह से इसमें गेम प्ले में थोड़ी दिक्कत तो होती है। अब बहुत से लोग ये जानना चाह रहे होंगे कि पबजी खेलते वक्त ये डिवाइस कितना ज़्यादा लैग मारेगा, ठीक है। तो ये मैं आपको बता दूँ, ये टोटली कुछ कंडीशंस पर डिपेंड करता है।
सबसे पहला कंडीशन कि आपका फ़ोन कितना ज़्यादा गर्म है, और दूसरा कंडीशन कि आपके आसपास अभी कितने ज़्यादा बंदे हैं। तो गाइस आप एक एग्जांपल के लिए आप देख लो कि मेरे सामने अभी कुछ 3-4 बंदे थे, और आप देख लो कि मुझे कोई खास लैग देखने को नहीं मिला और गेम पूरी तरीके से प्लेएबल थी। हालांकि मैं इसमें पिट गया, लेकिन ये गेम पूरी तरीके से प्लेएबल थी। यहाँ पे एक और एग्जांपल आपको मैं दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे मैं अभी जस्ट उतरा था, ठीक है, और मैं जहाँ पे उतरा वहीं पे बॉम्ब फूटी, ठीक है, और मेरे सामने अभी भी कुछ 4-5 बंदे खेल रहे हैं, ठीक है, और अभी भी देख लो मैं आसानी से गेम प्ले खेल पा रहा हूँ। मतलब गेम प्ले बहुत ज़्यादा प्लेएबल है, ठीक है, मतलब मिनिमम लैग तो है, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं गेम खेल ही नहीं पा रहा हूँ, लैग के मारे मैं खेल ही नहीं पा रहा और मैं पिट जा रहा हूँ। ये मैं तो अपनी गलती से पिटा, लेकिन फिर भी आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि ये डिवाइस एक्चुअल में किस टाइप की गेमिंग करा सकता है और इसमें आपको कितना लैग देखने को मिलेगा। तो चलो यार, अब मैं आपको अपना फाइनल ओपिनियन बता देता हूँ इस टैब के बारे में। तो अगर आप मेरे टाइप के स्टूडेंट हो जिसे अपना ऑनलाइन स्टडी भी करना है, ऑनलाइन क्लासेस भी करना है, और आपको दोस्तों के साथ केवल मस्ती के लिए पबजी खेलना है, तब आप इस डिवाइस को कंसिडर कर सकते हो। वरना अगर आपको केवल पबजी खेलना है तब आप इस डिवाइस की तरफ सोचना भी मत भाई। इसके जगह आप कोई दूसरा मोबाइल ही खरीद लेना, वो आपको इससे अच्छा परफॉर्मेंस देगा। और बाकी यार मैं इस टैब का स्टडी रिलेटेड रिव्यू भी बनाने वाला हूँ, तो अगर आप स्टूडेंट हो और आप चाहते हो स्टडी रिलेटेड रिव्यू देखना, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पुट अप कर देना, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा।